आज ये भाई आ गया मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए। नाम बताओ भाई अपना। स्लो वो टाइम उठानी तो पड़ेगी बेटा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग्स बाय संजू बाबा। आज मैं सुबह जिम नहीं जा पाया था तो मैं आ गया हूँ शाम को और मैंने अपना वार्म अप कर दिया है स्टार्ट। तो आज जो मेरा डे है वो है लेग्स डे, फ्राइडे है, तो मैं लेग्स डे लगाऊंगा अपना और लेग्स का वर्कआउट प्रॉपर कंप्लीट करूंगा। बट उससे पहले ज़रूरी है कि प्रॉपर स्ट्रेचिंग और प्रॉपर वार्म अप कर लिया जाए। तो इसमें जो है प्रॉपर तरीके से वार्म अप करने के लिए अलग अलग इसके अंदर आप एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे जंपिंग जैक्स कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, बैंड होके कर सकते हो, प्लस अपना लेग्स को जो है साइड में रेज कर सकते हो, जैसे कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। फ्रंट रेज इसको बोलते हैं लेग्स को। अभी साइड रेज भी मैं करूँगा तो साइड रेज भी आप इसमें कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि इससे आपका प्रॉपर जो मसल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है लोगों को कि आपका मसल जो है वो एक्टिवेट नहीं होता तो उनको इंजरी हो जाती है तो देन वो फिर अपना वर्कआउट कंटिन्यू नहीं कर पाते और रेगुलर नहीं कर पाते। और जब एक बार हैबिट छूट जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर इंसान डीमोटिवेट होने लगता है। तो इंजरीज को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी कि हम सबको स्ट्रेचिंग और वार्म अप प्रॉपर करना चाहिए। 5-10-15 मिनट मैक्सिमम, बट ट्राई करो कि 10 मिनट के अंदर आपका वार्म अप हो जाए, जिसमें कि 5 मिनट आपका कार्डियो का आप कर सकते हो, ट्रेडमिल कर सकते हो, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हो अगर आपके यहाँ है, और बाकी स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये आज का वर्कआउट स्टार्ट। आज ये भाई आ गया मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए। नाम बताओ भाई अपना। हाँ? फिर हम सब ने ग्रुप में किया अपना वार्म अप, और वार्म अप में हमने स्क्वाट्स का वार्म अप किया। सो दैट आप सबका आज लेग्स डे था तो मैक्सिमम लोगों ने लेग्स मारनी थी, तो लेग्स के लिए आज हमने सब ने एक साथ वार्म अप किया। सो दैट वन बाय वन अपने डिवाइड करके हम लोग एक्सरसाइज कर सके, और इससे क्या होता है एक टीम स्पिरिट बनती है एक जिम के अंदर, आपस में कनेक्शन बनता है। तो आप लोग भी ईगो से हट के साइड अपना दिमाग को साइड हटा के ईगो से टीम के साथ अपना वार्म अप करें, एक्टिविटी शेयर करें, अपना डाइट प्लान शेयर करें। तो पहली एक्सरसाइज जो मैं लगाऊंगा वो है वेटेड स्क्वाट्स। और वेटेड स्क्वाट्स में क्या है कि मैंने जो पहला सेट लिया है 60 kg वेट है, 20 kg रोड का वेट है, तो अराउंड 80 kg का ही मैंने पहला सेट लगाया। ये भाई पीछे से निकल गया, बच गया हल्का सा, और ये देखो दोबारा जा रहा है, ये मानेगा नहीं है, और इसमें क्या इंजरी होने के चांस होते हैं। तो अगर स्पेस कम है तो वेट करना चाहिए। चलो कोई नहीं, सब भाई अपने, और हम वेट इसमें लगा रहे हैं अपने प्रॉपर तरीके से। तो आप इसको देखो कि डेप्थ में जब तक आप नहीं जाओगे आपका वर्कआउट कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको डेप्थ में जाना है, पूरा नीचे भी जाना है, और नीज की और थाई के 90 degree के एंगल पे भी जाना है। अब ये भाई जो मुझे मिला था जिम में आज, कह रहा था मैं भी लेग्स लगाऊंगा, मैंने कहा आओ आप लेग्स लगाओ। और जो इनका पहला सेट जो हमने लगवाया लेग्स का तो इनको काफ़ी हैवी लगा। देन हमने इनको लगवाया लेग प्रेस सो दैट इनका प्रॉपर वार्म अप के बाद जो है एक अच्छे से इनका जूस निकाला जा सके। और यही क्या यंग लोग हैं जो मोटिवेट रखते हैं एक दूसरे को, और हम भी इनसे मोटिवेट होते हैं। तो प्रॉपर तरीके से वर्कआउट इनका कराया, अब बारी मेरी आ गई है, तो मैं भी अपने लेग्स का वर्कआउट में लेग प्रेस मशीन से अपना जो है वेट अपना मारना स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हो कि फॉर्म किस तरीके से जारी है, और फॉर्म अच्छा होना ज़रूरी है, फॉर्म का एक्यूरेट होना ज़रूरी है, सो दैट हमारे प्रॉपर रिजल्ट्स हमारे आए निकल के। क्योंकि होता क्या है कि हम ऐसे चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अब मैंने बीच में खा लिया अकेला क्योंकि मुझे थोड़ा भूख लग रही थी तो पंप आ जाए, और उसके बाद इस भाई को फिर मैंने हैक स्क्वाट मशीन से इस पर टांग दिया, और इसको मैंने बोला कि ठीक है अब आप इसको लगाओ ताकि आपका वार्म अप इसमें हो जाए। फिर बारी आ गई एक बारी से मेरी, और मैंने भी अपना लगाना स्टार्ट किया हैक स्क्वाट मशीन से। 20 kg के जो वेट की प्लेट थी हमने उससे लगाया, क्योंकि हमारा ज़्यादा लगाने का आज मन था नहीं, क्योंकि शाम को गए थे तो एनर्जी लेवल तो था नहीं, पेट भी भरा हुआ था, क्योंकि आज दिन में खाई थी पूरी सब्जी। और ये देखो
ये तो हो गया था बिल्कुल फेल। फिर मैंने अपना लगाया लेग कर्ल का वर्कआउट। लेग कर्ल के वर्कआउट को करेंगे तो हमारी हैमस्ट्रिंग इसमें ट्रेन होगी, क्योंकि जब हम जीन्स पहनते हैं तो उसके लुक के लिए हैमस्ट्रिंग का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्कआउट इसके बाद हम करेंगे लंजेस। लंजेस से क्या होता है कि जो आपके क्वाड्स होते हैं, जो आपका मसल होता है थाई का, वो आपका ग्रो होता है और इसको प्रॉपर फॉर्म में लगाना जरूरी है। अगर आप जरूरी इसलिए है कि अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका ग्रो नहीं होगा। नेक्स्ट वर्कआउट जो है हम इसमें करेंगे लेग्स एक्सटेंशन, जो कि मैं बीच में नहीं लगा पाया था, मशीन बिजी थी और लोग भी आज कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने लगाया हैमस्ट्रिंग के लिए स्टिफ लेग डेडलिफ्ट डंबल से, रॉड लगा था उसमें टाइम लगता। फिर मैंने फाइनल वर्कआउट किया अपना सुमो। सुमो का बेनिफिट क्या है, जो हमारी इनर थाई होती है वो डेवलप होती है, तो एक जब आप जीन्स या कोई फिटिंग के कपड़े पहनते हैं तो उसमें प्रॉपर लुक आपका एकदम ज़बरदस्त निकल के आता है और आप एकदम हैंडसम लगते हो और आप कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करते हो। जिम से आ गया घर और घर आने के बाद क्या बना रहे हैं कमेंट करके बताना, और वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी हमने इसका क्या बनाया है। यहाँ पे तो इसमें पनीर है, टोमेटो है, अनियन है और बाकी एक दो आइटम और इसमें डालेंगे और उसके बाद आप देखना क्या बनेगा। सूप रेडी आ जाओ दोस्तों। ये मैंने सूप बनाया है वाइफ की हेल्प से, मैंने हेल्प के लिए वाइफ ने पूरा बना दिया। यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं अपने नूडल्स, कोरियन नूडल्स की डिमांड थी, कोरियन नूडल्स ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैडम जी भी खा रही हैं और इसके साथ है हमारा स्प्राउट, इसमें अनियन है, टमाटो है और जो फाइनल प्रोडक्ट की जो बात हुई थी इसके अंदर आप देखो यही वो सूप है जो कि फाइनल प्रोडक्ट ये बना था यहाँ पे। तो ऐसे ही आप वर्कआउट करिए और अपना लाइफ को एंजॉय कीजिए और अच्छी अच्छी डाइट लीजिए, और फर्दर ब्लॉग आपके पास आते रहेंगे और उनको लाइक करते रहेंगे।